Hello friends, Vijay Salgaonkar was live on Saffron Tiger's YouTube channel. On the live session, Vijay Salgaonkar explained about the dark web narrative of Vibhor Anand. He tried to explain us what dark web actually is. He also took the name of a term called Red Room. He tried to explain us what Red Room actually is.

सुशांत सिंह राजपूत का लाइव टेलीकास्ट हुआ है डार्क डार्क वेब वेब पे पे सी लाइव टेलीकास्ट का ऐसा कोई जरिया नहीं है डार्क वेब पे एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रेड रूम रेड रूम वो रेड नहीं होता है कलर उसका वो एक इस तरह का कमरा है जो कि जहां पे यातनाएं दी जाती है इंसान को जहा पे बताया जाता है किसी एक औरत को पांच हजार टुकड़े कैसे किए जाते हैं किस तरह से किसी इंसान को मारा जाता है पूरा यातनाएं दी जाती है और ये टेररिस्ट ग्रुप करते हैं अपनी फंडिंग रेस करने के लिए पैसा कमाने के लिए वहां पे किसी इंसान को पकड़ लिया जाता है और वहां पे लाइव व्यूअर्स होते हैं और बिडिंग होती है क्रिप्टो करेंसी में लाइक बिटकॉइंस में और बोलते हैं हम आपको हंड्रेड डॉलर देंगे इसका नेल निकाल लीजिए इसकी आई बॉल्स निकाल लीजिए इसकी उंगली काट दीजिए उसके टुकड़े किए तो रेड रूम वो है तो वहां पे ही चीजें हो सकती है सुशांत के केस में वो क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ हमने देखा थे ठीक है छोटे मोटे चोट के निशान थे जो हमने फोटो से आइडेंटिफाई किया था कि होंगे तो वो इतनी छोटी चीजों के लिए रेड रूम नहीं होता है रेड रूम में बहुत साइको टाइप के लोग बैठे होते हैं और उनको मजा आता है बहुत पागल लोग होते हैं वो वो वहां पे काटते पूरा मार देते तो टेररिस्ट के यहाँ तो सुशांत नहीं था सुशांत तो अपने घर पे था वहां पे उनका सेटअप नहीं है डार्क वेब के लिए उनका सेटअप होता है पूरा उनको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता उस सेशन को और बहुत सेफ तरीके से करते हैं वो लोग तो मुझे नहीं लगता कि सुशांत का ऐसा कुछ वहां पे डार्क वेब पे ऐसा कुछ टेलीकास्ट हुआ था आई I मीन mean, ये तो सिर्फ एक र्यूमर है और ये जिसने भी बनाई थी विभोर के बोलने से पहले भी फेसबुक पे चल रही थी तो इट इज ऑल नॉन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है मैंने तब भी बोला था विभोर को मैं आज भी बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है